तो हेलो गाइस, मैं हूं ओमी। आप देख रहे हैं क्लास विद ओमी। तो आज का वीडियो है कि मैं आज लेके आया हूं TS10 का एक नया स्ट्रैटेजी, जो आपको ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी TS10 में मल्टी हो या सिंगल टारगेट हो उसको 3-स्टार कर सकते हो। उसका नाम है पेक्का हुइच बैट अटैक स्ट्रैटेजी। चलो डायरेक्ट अटैक की तरफ। तो यहाँ पर देखो, ये रहा बेस। ये बहुत फेमस बेस है, जो आपको बहुत बार मिल चुका है होगा TH10 और TH11 पे मिल चुका होगा। बस कुछ नहीं करने का, 5 पेक्का और 6 हुइचेस के साथ, और एक आप लेना ये गोलेम, बड़ा वाला गोलेम और लॉग लॉन्चर। पूरा स्पाम कर देना पीछे से, हुइच स्पाम करना, और लॉग लॉन्चर तो आपको रास्ता दिखाता जाएगा, रास्ता बनाते जाएगा तो वाल तोड़ के। तो इजीली आप कुछ वाल ब्रेकर भी ले सकते हो दूसरा कंपार्टमेंट को उड़ाने के लिए या पाथ बनाने के लिए इजीली। मतलब आप बस देखें, कुछ नहीं, जैसे जाप हुइच कर रहे हो वैसे भी पेका हुइच भी मस्त वाला अटैक स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई रेस स्पेल वगैरह नहीं है, कोई हिल स्पेल वगैरह या फिर कोई जंप स्पेल वगैरह नहीं, ओनली फ्री स्पेल और बैट स्पेल और पॉइजन स्पेल CC के लिए। और एक आप सारे के सारे बैट ले सकते हो या फिर ये एक स्केल्टन भी, लेकिन बंदे ने यहाँ पे एक स्केल्टन लिया है, कोई बात नहीं। मतलब एकदम OP अटैक स्ट्रैटेजी। अब देख रहे हो यहाँ पे अभी भी नो स्पेल का बच चुका है, अब ये सारा का सारा स्पेल स्वाग होने वाला है। मोस्ट अटैक स्ट्रैटेजी। अब ये अटैक स्ट्रैटेजी आप वार में जरूर यूज कर सकते हो, मतलब आप मल्टी हो या सिंगल हो, इजीली 3-स्टार करके देगा ये वाला स्ट्रैटेजी। बहुत OP स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं होगा, आराम से देखो सारे का सारा फ्रीज स्वाग, सारे का सारा बैट भी स्वाग। मतलब इतना पावरफुल अटैक स्ट्रैटेजी, जो कि गो हुइच से भी बहुत पावरफुल अटैक स्ट्रैटेजी है। चलो और एक बेस में हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे 3-स्टार किया है। चलो ये वाला बेस भी काफ़ी मिलता जुलता, जैसे TH9 का है, लेकिन यहाँ पे सिंगल टारगेट है जो कि पेका को बहुत दिक्कत देती है। फिर भी इस वाले बेस पे देखो कैसे इसको 3-स्टार किया है। तो कुछ नहीं है, बेस के 2 पेका इस तरफ, 1-2 पेका उस तरफ, बीच में 1-2 पेका हो गया, काम ख़त्म। पीछे से सारे के सारे हुइच स्पाम कर देना और पॉइजन CC के ऊपर डाल देना। एक पॉइजन डाल देगा तो CC भी मर जाएगा। और लॉग लॉन्चर तो हमारा पाथ बनाता रहता है, रास्ता बनाता रहता है, तो आपको इजीली इस वाले बेस में भी इजीली हो जाए। बस कोई भी बेस देखो, आराम से स्पाम करो, कुछ नहीं चाहिए इस बेस में। मतलब आप बोलोगे कि व्हील स्पेल रेस स्पेल, कुछ नहीं चाहिए इस बेस में, कि कोई सिंगल टारगेट हो मल्टी टारगेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली 3-स्टार हो सकता है, इतना पावरफुल अटैक स्ट्रैटेजी है। बस देखिए, और CC में ले सकते हो आप यटी और भलकारी ले सकते हो, जो कि इजीली आपको कुछ यटी लोगे तो आपको इतना फ़ायदा है कि यटी बहुत पावरफुल रहता है, जो कि एक एक कंपार्टमेंट भी डाउन कर सकता है। यटी और यटी मैट्स मतलब बहुत OP ग्रुप है। आप ये आप TH10 में ज़रूर यूज कर सकते हो, या अगर AR अटैक कर सकते हो तो AR अटैक में आप ये ड्रैगन राइडर यूज कर सकते हो, क्योंकि ड्रैगन राइडर बहुत, उसका जो हिट पॉइंट रहता है बहुत ज़्यादा हिट पॉइंट रहता है, जो कि 1-2 बार में डिफेंस को टेक डाउन कर लेता है। और यहाँ पे यटी का भी वही सेम सीन है, जो कि इजीली कोई भी डिफेंस को टेक डाउन करता है। वो इसके लिए आपको बहुत इजी होगा इसको उड़ाने के लिए। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबाओ, बेल आइकन दबाओ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।